नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। द नंबर्स अदर देन वन, वन के अलावा जो नंबर्स हैं, हुज ओनली फैक्टर्स आर वन एंड द नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। इसका मतलब वे सभी संख्याएं, वे सभी नंबर्स जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर हों, कौन कौन से, वन और वो नंबर खुद, यानी वो अपने टेबल में और वन के टेबल में आते हों और किसी भी टेबल में ना आते हों, ऐसे नंबर्स को कहा जाता है प्राइम नंबर्स। जैसे बच्चों देखो, एक नंबर है टू, ये वन के टेबल में आता है, टू के टेबल में आता है और किसी टेबल में नहीं आता। ऐसे नंबर देखो थ्री, ये वन के टेबल में आता है, थ्री के टेबल में आता है। ऐसे देखो फाइव, यह वन के टेबल में आता है, फाइव के टेबल में आता है और किसी टेबल में फाइव नहीं आता, है ना। इसी प्रकार से देखिए सेवन, सेवन भी एक वन के टेबल में आता है, वन सेवन द सेवन, और दूसरा अपने टेबल में सेवन के टेबल में आता है, ठीक है। और आगे देखेंगे तो इलेवन, इलेवन भी अपने टेबल में आता है, वन के टेबल में आता है और अपने इलेवन के टेबल में आता है और किसी भी टेबल में इलेवन नहीं आता। ऐसी बहुत सी संख्याएं हैं, थर्टीन भी ऐसा ही टेबल नंबर है जो वन के टेबल में आएगा और थर्टीन के टेबल में आएगा और किसी टेबल में नहीं आएगा। तो ऐसे सारी संख्याएं, अब आप ध्यान से देखिए, टू के कितने फैक्टर हुए, दो फैक्टर, थ्री के कितने फैक्टर हुए, दो फैक्टर, पांच के कितने फैक्टर हैं, दो, सात के कितने फैक्टर हैं, दो, ग्यारह के कितने फैक्टर हैं, दो, तेरह के कितने फैक्टर हैं, दो। कौन कौन से फैक्टर हैं, यहां क्या लिखा था देखो, कौन कौन से फैक्टर होंगे, वन, सभी में वन है, एंड द नंबर इटसेल्फ, वह नंबर खुद, यानी दो खुद, तीन खुद, पांच खुद, सात खुद अपने टेबल में आ रहा है, ग्यारह खुद अपने टेबल में आ रहा है, तेरह खुद अपने टेबल में आ रहा है ना। तो वो नंबर्स वन को छोड़कर, वन नहीं लेना इसमें, यानी वन प्राइम नहीं है, वन के अलावा और जितनी भी ऐसी संख्याएं होंगी जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर होंगे, यानी वो सिर्फ दो ही नंबर्स में, दो ही नंबर के टेबल में आती होगी, कौन कौन से टेबलों में, एक वन के टेबल में, एक अपने खुद के टेबल में, ऐसी संख्याएं को कहा जाता है प्राइम नंबर्स। क्या कहा जाता है, प्राइम नंबर्स। इसका मतलब ये टू, थ्री, फाइव, सेवन, इलेवन, थर्टीन, ये कैसी संख्याएं हैं, प्राइम नंबर्स हैं ये। हिंदी में इन्हें अभाज्य संख्याएं कहा जाता है, इंग्लिश में इन्हें प्राइम नंबर्स कहा जाता है। उम्मीद करता हूं आपको प्राइम नंबर्स अच्छे से समझ आए होंगे। मेरा अगला वीडियो देखिएगा, उसमें मैं आपको कंपोजिट नंबर्स के बारे में बताऊंगा। इस शीट में हम देखते हैं प्राइम नंबर्स एक से लेकर सौ तक कौन कौन से नंबर्स प्राइम होते हैं। एक से लेकर दस तक देखो, दो, तीन, पांच, सात, ये ऐसे नंबर हैं जो अपने अलावा और किसी पहाड़े में नहीं आते। ग्यारह से बीस में यदि देखें तो ग्यारह, ग्यारह अपने अलावा और किसी के पहाड़े में नहीं आता। तेरह अपने अलावा और किसी के पहाड़े में नहीं आता, एक के पहाड़े में आता है। सतारह, उन्नीस, इक्कीस से तीस के बीच में तेईस और उनतीस, इकतीस से चालीस के बीच में सिर्फ दो संख्याएं हैं, इकतीस और सैंतीस, जो कि प्राइम है, यानी ये अपने अलावा और किसी टेबल में नहीं आती और वन के टेबल में आती हैं। और इन अदर वर्ड्स कहा जाए तो इनके दो ही फैक्टर होंगे, कौन कौन से, एक वन, एक नंबर इटसेल्फ, इटसेल्फ का मतलब अपने खुद के टेबल में नंबर आता होगा। तो इनके दो ही फैक्टर्स हैं, एक वन और एक नंबर इटसेल्फ, ठीक है, इन सभी संख्याओं के, ये जितनी यहां लिखी हैं। 41 से 50 में 41, 43, 47 तीन प्राइम नंबर है, 51 से 60 में दो प्राइम नंबर है, 61 से 70 में 61 और 67, ये ऐसे नंबर्स हैं जो अपने, जो जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स हैं, 61 और 1, 67 और 1, 71 टू 80 में तीन प्राइम नंबर्स हैं, 71, 73 और 79, 81 टू 90 में दो प्राइम नंबर्स हैं, 91 टू 100 में सिर्फ एक ही प्राइम नंबर है, वो है 97। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
देयर आर 25 प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 टू 100। ये बात आप याद रखना हमेशा, एक से लेकर 100 तक कुल कितने प्राइम नंबर्स हैं? 25। और आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। एक सरसरी नगर इन नजर इनको मारना और इन्हें कोशिश करना इनको लर्न करने की, लर्न तो नहीं मगर फिर भी आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से नंबर्स प्राइम होते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, प्राइम नंबर्स वो हैं जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, एक वन और दूसरा वो नंबर खुद। इसका मतलब वो दो ही पहाड़ों में आएंगे, एक अपने टेबल में और एक उस नंबर के टेबल में, अपने खुद के टेबल में, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको प्राइम नंबर्स बड़े अच्छे से समझ आया होगा। मैं एक और वीडियो आपको भेजूंगा जिसमें आप एक प्राइम नंबर्स के रिगार्डिंग एक गेम भी खेल पाएंगे, देख पाएंगे। धन्यवाद।